बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी का निधन हो गया है। वह कैंसर से पीड़ित थे। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कल रात उनका निधन हुआ है। उनके पार्थिव शरीर को विशेष विमान से दिल्ली से पटना लाया जा रहा है। इस वक्त हम उनके पटना आवास पर मौजूद हैं। राजेंद्र नगर में यह आवास है उनका। उनके पार्थिव शरीर को यहीं लाया जाएगा, यहीं पर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, जहां पर उनके समर्थक परिवार के लोग, तमाम प्रमुख नेता आकर श्रद्धांजलि देंगे। ये सुशील मोदी का ही आवास है। बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता थे। एक ज़माने में बिहार बीजेपी का मतलब ही सुशील मोदी हुआ करता था। देखिए, यहाँ पर जितने भी बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब मायूस हैं। हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। सुशील मोदी का निधन हो गया है, कितनी बड़ी क्षति है और कैसे याद करते? क्योंकि हम लोग जब भाजपा ज्वाइन किए थे तो हम लोगों ने सुशील जी, जब उस समय 95 में दोबारा जब विधायक बने थे और विरोधी दल के नेता बने थे, उस समय हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया था इन्हीं को देख करके, इनके जुझारूपन को देख करके। उस समय पटना मध हुआ करता था और हम लोग ने जंगल राज के खिलाफ उनकी लड़ाई को देखी है। और उस समय जो नरसंहार का दौर चला था, सुशील मोदी एकमात्र ऐसे नेता हुआ करते थे कर्पूरी ठाकुर जी के बाद, जो कोई भी नरसंहार हो चाहे किसी जाति का हो, सबसे पहले पहुंचने वाले और पीड़ितों के आंसू पोंछने वाले में सुशील मोदी का नाम आता था। छात्र जीवन से ही राजनीति में एंट्री लिए थे वो, जो जेपी आंदोलन था उसमें भी उनकी अहम भूमिका थी। आज पार्थिव शरीर यहाँ लाया जा रहा है, तो क्या कार्यक्रम रहने वाला है? नहीं, अभी तो कार्यक्रम है 12:30 में पटना एयरपोर्ट पर स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से आ रहा है उनका पार्थिव शरीर। उसके बाद उनके घर पे आवास पे आएगा राजेंद्र नगर में। यहाँ के बाद संघ कार्यालय विजय निकेतन जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में उनकी पार्थिव शरीर को रखी जाएगी, जहाँ बिहार के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आतुर हैं और अपने नेता का दर्शन करने के लिए आतुर हैं। बिहार बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक चितरंजन जी भी हैं। चितरंजन जी, किस तरह आप सुशील मोदी को याद कर रहे हैं, कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं? हम अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है और कुछ कह नहीं सकते हैं। हम तो यही जानते हैं कि पिता तुल थे और बेटा की तरह मानते थे। अब जब किसी पिता का बेटा पर से हाथ उठ जाता है तो बेटा ही उस दर्द को समझ सकता है। और भी बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। एक ज़माने में बिहार बीजेपी का मतलब ही सुशील मोदी हुआ करता था। बिहार बीजेपी के संकट मोचक थे, भीष्म पितामह कहा जाता था बिहार बीजेपी का। कितनी बड़ी क्षति है सर, क्या इसकी भरपाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, आने वाले दिनों में नहीं हो पाएगी। हम लोग के गार्जियन थे, एक एक कार्यकर्ता के गार्जियन थे, बहुत बड़े इंसान थे। नेते से नेता तो थे ही, लेकिन इंसान भी बहुत बड़े इंसान थे। राजकीय सम्मान के साथ आज पटना में अंतिम संस्कार होना है। कि बिहार में सबसे बड़ी बात है, इनको जाना एक बहुत बड़ा खो जाना, कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ा दुखी करना है। आज जो हम लोग एक दुख के, बिहार के लिए बहुत बड़ा क्षति है। कई युवा नेताओं को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया जो आज मंत्री हैं, अनगिनत कहा नहीं जा सकता है, अनगिनत है जो मंत्री बनाने का काम किए। तो देखिए, हम सुशील मोदी के आवास पर हैं। उनका पार्थिव शरीर इसी आवास पे लाया जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे और नेताओं का आना भी जो है वो शुरू हो गया है। बता दें, 3 बार विधायक रहे हैं, विधानसभा में नेता विपक्ष रहे, 3 बार डिप्टी सीएम रहे, लोकसभा सांसद बने, राज्यसभा सांसद बने। कुछ महीने पहले ही उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ है। जीएसटी काउंसिल के प्रमुख रहे, लालू यादव के चारा घोटाला का जो मामला था उसको उजागर करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। तो एक बड़े नेता थे। बीजेपी ने अपने बड़े चेहरे को खो दिया है और देखिए तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। उनका पार्थिव शरीर जो है इसी आवास पर जो है वो लाया जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।